बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मुझे सुंदर तेजा प्यार आबाद का साथियों अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों इन वक्त आऊँ सांगर शुगर मिल जे करीब जे जमींदार अब्दुल सत्तार चानी जी जमीन ते मौजूद आया। मो संगत जरई माए साईं मोहम्मद खान साण मौजूद आए ऐं शाह साहब मौजूद आए। सो हिते ही जो रोड ग्रास लगल आ उन बाबत साईं खां पुछंदा साईं अब्दुल सत्तार चानी का। साईं अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मीरवकार। दोस्तों जी त अब्दुल सत्तार चानी हो असो दोस्त जमींदार इतने सांगड़ जो उन जी जमीन ही जका है ही आए पांजो यूनियन काउंसिल केड़ी आ लोहाड़ो यूनियन काउंसिल यानी सांगड़ शुगर मिल जका ने भर में आ तो इन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में रोड गिरास जो को रवाज आए वो एतरो कोने को अस मुख्तलिफ जमींदार से विजिट करना रहे पर रोड गिरास जो को आए वो केर भी कोने पोका है इन ने जो को सो नव ट्रेंड जो को सो नई जिद्दत जो पैदा की है इन इलाके में तो इन का पुछंदा तो तवां जो रोड गिरास जो को घणो लगल है। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं अलहमदुल्ला अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन असो 250 एकड़ी रोड ग्रास लगल है तकरीबन तमाम ही बेन फसलन का तमाम ही सुठी पैदावार दे तो सियारे के हिसाब में तो हि थोड़ा पैते है मतलब इनकी ग्रोथ घट है बाकी बेन फसलन के हिसाब से इनकी प्रोडक्शन तमाम बेहतरीन है। अच्छा ही जो रोड गिरास है ये जो बीज जो फी एकड़ जो खर्च घणो है सही बीज जो तकरीबन जो है सो तक 2,650 रुपया किलो है एकड़ में तकरीबन 10 किलो बीज पे तो 2,650 रुपया तकरीबन एकड़ जो खाली बीज जो खर्चो है। अच्छा आई ही जो को मना पान बीज अज लगायो तो यो कटबो घणन का पो सही ही न जी जे की कास्ट करण जो टाइम है वो फरवरी तकरीबन 25 तारीख का पो ने कास्ट कयो तो वने छो तो सियारे में बीज कोन तो लगे सियारे में न लगण जो सबब यो है तो इनकी ग्रोथ स्लो होने के करे कोन तो लगे बाकी फरवरी में जेकर 15-20 तारीख ते पण हयो तो तकरीबन 60 दिन का पो इन जो पेरो लाभ अचो तो वने। अच्छा फी एकड़ जको है असा आबादगार ने बुधायो तो वो घणा टन लई विंदो आ फी टन केतरे विकामे तो सही वो अमूमन तो हिंर बरसात के हिसाब से तमाम घणो नुकसान थे तो हिंसा रेट थोड़ा आया तो जी अमूमन बेन फसलन जो भी आया तो हुआ बाकी हिन जो रेट तकरीबन एवरेज 35,000-40,000 फी टन लहे तो जो वजन तुम पुछो तो वजन जो इन हिसाब किताब ये तो इनके जितनी खुराक जितनी वधिक तो दे उनको वजन ओतरो वधिक तो लहे फर्ज कर असि DAP था दूँ टे यूरिया था दूँ तो अस तकरीबन 1.5-2 टन इन एवरेज खाऊंगा। ये आबादगार के सिंपल बुधायो तो एकड़ी कटाई जगह था महीने के अंदर अंदर के हर महीने में एकड़ी कटाई जी हां ठीक है उन्हें पैसा घना थंदा फी एकड़ जा कटाई जा पैसा केतरा बुधायो रगड़ो लमसम फिगर में फी एकड़ जो था पूछो हां फी एकड़ तकरीबन कटाई ते 50,000 रुपया 60,000 बठाए तो अच्छा 50 का 60,000 तो ये साल में घणी कटाई होडी थिनी वन साल में तकरीबन जो है 6 कटाई का 7 कटाई करे तो माना ये समझो तो 3 का 3.5 लाख रुपया फी एकड़ ठाई दो आराम से ठाई दो तो आबादगार दोस्तों असा घर जो सो मंजूर वसाण मौजूद है ऐं जो सो इन का पुछू था तो मंजूर तुम ये माइक मंजूर के दियो तो तुम बुधायो तो ही जो है इन में ही माल जरा केतरे कोतर कारामत है सर इन जे बारे में असा के नॉलेज को जेतरी स्पीड में ही बाहर वने पियो ही करे पियो ही छो पियो वने छो जो इन में भरपूर प्रोटीन आ ऐं ड्राई मैटर भी भरपूर आ जी बूह जे वगैरह एडा ओडा असा के इस्तेमाल करणो तो पे बेन गाहन में अड़े तरीके से इन में ड्राई मैटर जो वधिक आ तकरीबन 25% ड्राई मैटर है तो माना जानवर जो पेट जल्दी भरे तो छे काफ़ी देर ती जो उनके बुख नी लगे बेहतरीन गा है पर असा भाग्य ने कटाई में थोड़ा मसलो थे तो छो जो सख्त है ड्राई मैटर वधिक इन कर कटाई में सख्त है डाटरो वगैरह एडा ओडा इन में मुश्किल थे थी कटाई में इन के करे फार्मर को हणंदा हारी कटाई को कन अगर प्रॉपर सुठी फार्मिंग हुए तो ही ट्रैक्टर में उन्हें जो हर जो को कटाई आरो वो वठी इस्तेमाल कर जो तो बेहतरीन जड़ी काशी है। अच्छा आऊं तवा का पूछो अफजल ता बुधायो तो तहां वट इंप्लीमेंट है ना औजार जगह कटिंग कन या पैकिंग कन ओ तरीके जी हां साई बिल्कुल पाण वट हर शे अवेलेबल है। अच्छा जी हां बेलर बा है कटाई वारो है या रेकर आ लाइनर आ जको बा है वो हर शे है लिफ्टर आ हर हर इंप्लीमेंट अवेलेबल है। आबादगार दोस्तों जेके भी दोस्त इन में इंटरेस्टेड होजन रोड ग्रास में लगाने चाहन था तो वो अब्दुल सत्तार चानी हो इतने सांगड़ जो मशहूर मारूफ जमींदार 3-4 सौ एकड़ बनी इन जगह इन जी आए उनसा राबतो कर सकन था वो उनके जो सो इन जे कायण जे तरीकेकार इन जा कटाई औजार वगैरह सब कुछ मना हेल्प कर सके तो उनका
मदद कर सके तो उन आबादगार ने घुर्ज हेड़ी शुभ कहें भरपूर पैदावार खड़ी सकन। तुम दोस्तों की बड़ी मेहरबानी।